नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन। आज मैं आपको दहुआ की ऑनलाइन सेटिंग के बारे में कुछ बताऊंगा। इट मीन्स अगर आपके यहाँ पे दहुआ का DVR लगा हुआ है और आप उसको अपने मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं उसकी सेटिंग मैं आपको समझाऊंगा। नॉर्मली आपका DVR प्ले ऑन होगा तो आपने राइट क्लिक मारना है, देन आपने मेन्यू का ऑप्शन ओपन करना है। अगर ये पासवर्ड मांगता है आपका, तो जो आपके DVR का पासवर्ड होगा आपको वो डालना है। अगर आपने चेंज किया है तो ठीक, अदरवाइज का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम 888 888 होता है, दोनों में आपको 888 888 डालना है जो उसका डिफ़ॉल्ट ID और पासवर्ड है। देन आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें सेटिंग के लिए आपको थर्ड रो है सेटिंग, इसमें पहला ऑप्शन कैमरा, दूसरा नेटवर्क्स, तो आपने नेटवर्क में क्लिक करना है। सबसे पहले TCP/IP आएगा, आपने इसमें जाना है। इसमें आपने DHCP पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है एंड सेव कर देना है। वापस नेटवर्क में जाना है। आपका मॉडम अगर Airtel का होगा तो उसमें क्या IP कॉन्फ़िगर हो रखी है वो ऑटोमेटिकली इसमें कॉन्फ़िगर हो जाएगी। इसको वापस आप स्टेटिक पे क्लिक कर देंगे, देन अप्लाई कर देंगे। अप्लाई के बाद आप इसको सेव कर देंगे। अब वापस नेटवर्क का ऑप्शन खोलेंगे। P2P सेटिंग सबसे नीचे के ऑप्शन है, P2P सेटिंग आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करके यहाँ पे एनेबल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एनेबल पे क्लिक करके कनेक्ट स्टेटस आपका ऑनलाइन आ जाएगा। अगर आपका ऑनलाइन आ गया इसका मतलब आपने सेटिंग आपकी DVR की हो गई। अब इसको मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना है मैं आपको वो बताऊंगा। इसको हम सेव कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अब आपने अपने मोबाइल फ़ोन में अगर एप्पल है तो ऐप स्टोर, अगर एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर ओपन करेंगे। इसमें सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे दहुआ। इसकी ऐप का नाम IDMS Lite है, तो जो पहला पहला ऑप्शन आएगा वो IDMS Lite ही आएगा। इस ऐप को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे, IDMS Lite। ये ऐप 38.9 ऑलमोस्ट 39 MB की है, तो इसे इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट इंस्टॉल होने वाली है ऐप। इंस्टॉल होने के बाद इस ऐप को ओपन करना है। हो गई, वो ओपन पे क्लिक करना है, ऐप ओपन हो जाएगी। एक पहले एरर आएगा, इसको ओके कर देना है।
इसमें तीन ऑप्शन आएंगे, कैमरा, डोर एंड अलार्म। आपने कैमरा पे क्लिक करना है। चार फ्रेम का आपका बॉक्स बन के आएगा जिसमें चार फ्रेम्स होंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे तीन लाइंस बनी है, सेटिंग की लाइंस है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अंदर के ऑप्शन खुलेंगे। पहला ऑप्शन होम आएगा, सेकेंड लाइव प्रीव्यू, थर्ड प्लेबैक, फोर्थ डिवाइस मैनेजर। अपने डिवाइस मैनेजर पर जाना है। जाने के बाद टॉप हैंड साइड पे आपका एक प्लस का साइन आएगा, राइट हैंड साइड पे, तो आपने प्लस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें ऑप्शंस आएंगे। फर्स्ट आएगा पी टू पी, सेकेंड क्विक डी डी एन एस, थर्ड जहुआ डी डी एन एस, फोर्थ आई पी डोमेन। तो हमने जो सेटिंग करनी है वो पी टू पी से करनी है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन जो पी टू पी का है उस पर क्लिक कर देंगे। इसमें ऑप्शंस आएंगे नेम, सीरियल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड, लाइव प्रीव्यू, प्लेबैक। तो इसमें नेम में आप जो भी डाल सकते हैं, जैसे मैं अपना डालता हूँ होम। देन सेकंड ऑप्शन जो SN है, सीरियल नंबर, उसके आगे एक बॉक्स बने हुए हैं, वो मेनली कैमरा ओपन करने का है, इसका स्कैनिंग करने के लिए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। अब हमने जो हमारी स्क्रीन पे बार कोड्स है वो इससे स्कैन करवाना है, तो TV ऑन करते हैं। ये जो ऑनलाइन के नीचे बार कोड्स है हमें ये स्कैन करना है, तो मोबाइल फ़ोन लेके आएंगे हम एंड जो हमारा बार कोड है वहाँ पे लेके जाएंगे। ये रहा बार कोड, बार कोड से स्कैन करके ऑटोमेटिकली DVR का सीरियल नंबर डाल दिया। अगर हमने पासवर्ड चेंज नहीं किया हुआ तो हमें कोई और सेटिंग नहीं करनी, जस्ट क्लिक करना है स्टार्ट लाइव प्रीव्यू पे। इस पर करते ही कनेक्टिंग क्लिक किया आएगा। यूजर नेम पासवर्ड एरर आ रहा है क्योंकि मैंने पासवर्ड चेंज कर रखा है, तो मैं इसका पासवर्ड डाल दूंगा। पासवर्ड डालने के बाद डन एंड स्टार्ट लाइव प्रीव्यू अगेन। ये हमारा कैमरा प्ले कर देगा। इसको बड़ा करना है, जूम करना है, तो दोनों फिंगर से इसको हम जूम भी कर सकते हैं। ये दहुआ का एक मॉडल है जिसकी सेटिंग मैंने आपको बताई है। ये मॉडल नंबर कौन सा है मैं आपको वो भी बताता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम आपने फ़ोन पे अगर प्ले करना है, इसको क्लोज़ कर देते हैं और मैं आपको दोबारा से बताता हूँ एक बारी। IDMS हमारे आइकन बन के आ जाएगा जो कि दहुआ का DVR का सॉफ्टवेयर है, इसको ओपन करना है। अब सारी सेटिंग दोबारा नहीं करनी हमने, हमने सिर्फ अब जो पहले हमने लाइट पे लेफ्ट पे क्लिक किया था, हमें राइट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके हमारा होम लिख के आ रहा है जो हमने सेटिंग की है। होम पे बॉक्स वाले अंदर चेक बनाना है, चेक बॉक्स बनाना है, देन स्टार्ट लाइव प्रीव्यू, हमारा कैमरा प्ले हो जाएगा। ये कौन सा DVR नंबर है मैं आपको बता देता हूँ। DVR का मॉडल नंबर जानने के लिए राइट क्लिक मारना है, मेन मेन्यू, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, देन एंटर, ओके। यहाँ पे सेकंड रो में इन्फो का ऑप्शन है, इन्फो के अंदर सिस्टम के ऑप्शन है, सिस्टम पे जाना है। सबसे पहला ऑप्शन हार्ड डिस्क इन्फो आएगा, यहाँ पे शो हो रहा है कि हमारे DVR में कितनी हार्ड डिस्क लगी हुई है और कितनी फ्री है। सेकंड ऑप्शन रिकॉर्ड इन्फो आएगा, थर्ड ऑप्शन BPS आएगा एंड फोर्थ ऑप्शन वर्जन आएगा। वर्जन में सबसे पहले हमारा मॉडल नंबर शो होता है, इस वाले DVR का मॉडल नंबर DH-HCVR5104H-V2 है।
और सबसे नीचे सीरियल नंबर शो होता है। जब हमने स्कैन किया है तो हमारे उस सेटिंग के अंदर सीरियल नंबर स्कैन होता है। तो अगर आप स्कैन नहीं कर पा रहे तो आप जो सीरियल नंबर का ऑप्शन है वहाँ पे ये सीरियल नंबर टाइप भी कर सकते हैं, उससे भी आपका डी वी आर ओपन हो जाएगा। दोवा के अब बहुत सारे नए मॉडल्स आ गए हैं, उसमें थोड़ा सा सेटिंग का फ़र्क है, तो मैं वाली सेटिंग भी बहुत जल्दी अपना एक वीडियो बनाने वाला हूँ उसकी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या ये वीडियो आपके काम की हो ऐसी इस टाइप की वीडियो, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी बहुत जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी ऐसी। मेरा नाम गुलशन था, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को कृपया लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।